इसी बीच अगली बड़ी खबर भी छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से है, जहां पर बिलासपुर में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। बता दें कि पुलिस ने दो चोरों को बिलासपुर में गिरफ्तार किया है। वहीं चोरों के पास से चोरी किया गया मशरूका भी बरामद किया गया है। बता दें कि पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इस वक्त की खबर हम आपको छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से बता रहे हैं, जहां पर बिलासपुर में पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। पुलिस ने इस कार्रवाई में दो चोरों को गिरफ्तार किया है। वहीं चोरों के पास से चोरी किया गया मशरूका भी जब्त किया गया है। दादे की पुलिस हिरासत में आरोपी हैं, पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। इस वक्त की खबर में आपको बिलासपुर से बता रहे हैं। इस पर और भी ज्यादा जानकारियों के लिए हमारे साथ सतीश बाटवे संवाददाता जुड़ रहे हैं। सतीश, बिलासपुर में पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की है, जिसमें पुलिस ने दो चोरों को गिरफ्तार किया है, तो पूरा मामला किस थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है और पुलिस आरोपियों को किस चोरी के तहत गिरफ्तार किया गया है? सतीश, आपको आवाज आ रही है? जी सतीश, ये पूरा मामला किस थाना क्षेत्र के अंतर्गत बताया जा रहा है, जहां पर दो चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है? जी मैं बताना चाहूंगा कि अचानक टाइम के छोटा बफर जोन में अधिकारियों ने वन परियोजना शिकार के लिए एक तार किससे जाल बिछाया हुआ था, जिसको लेकर पैदल गार्ड की एक नियुक्ति की गई, जिसमें वो पूरे सर्वे करते हुए पूरी जाँच करते हुए टीम गठित की गई है, जिसमें जितने भी पैदल गार्ड है वो रातों को दिन को लगातार जांच करते रहते हैं कि कहीं अन्य जानवरों का वन्य जीवों का शिकार तो नहीं हो रही। उसको लेकर एक बीते दिनों दोपहर की बात की घटना है, इसमें वन्य प्राणियों को लेकर जो बनाई गई टीम है पैदल गार्ड, उनके द्वारा एक तार से बिछा हुआ जंगलों के तार से बिछा हुआ तार प्राप्त हुआ, जिसको लेकर उन्होंने बड़ी कार्रवाई को अंजाम देने से रोका है। जी सतीश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों की। खबर हम आपको बिलासपुर से बता रहे थे, जहां पर बिलासपुर ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया, जहां पर पुलिस ने दो चोरों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। बता दें कि चोरों के पास से चोरी किया गया मशरूका भी बरामद कर लिया गया।